अब इस पायरिडीन की जो हमारे पास खासियत है वो डिफरेंट होंगी उस बेंजीन से, ठीक है ये स्टार बेंजीन से ही हुआ है, ठीक हो गया ना। तो जो एन है ये आपके पास एक क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर होगी बात, नीचे वाला कि आपने ये चार लाइनें नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसकी एग्जांपल्स हैं, आपने कम से कम 8 फंक्शनल ग्रुप्स आपने लाजमन करने हैं। वो 8 जो इम्पॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक किया जाता है अल्केन वाला, जिसमें कि आपके पास कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन है डबल बॉन्ड वाली, जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन जो है वो आपके पास 4 बॉन्ड बना सकती है दूसरे एटम के साथ, ठीक है, अपने साथ भी दूसरे एटम के साथ भी, ठीक है। मतलब को टोटल कितने भी बॉन्ड बनेंगे कार्बन के, हर कार्बन कितने बॉन्ड बनेंगे, 4, चाहे वो चारों सिंगल बने, 2 डबल, एक डबल बॉन्ड बन जाए और 2 आपके पास सिंगल बन जाए, मतलब 4 हो गए ना टोटल। और इसी तरह 3 बॉन्ड एक बन जाए, ट्रिपल बॉन्ड इसको कहेंगे, और एक सिंगल बन जाए, ठीक है, जिस तरह इसमें हुआ होगा आपके पास, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास अल्काइन है। क्लियर होगी बात। हॉलो ग्रुप है आपके पास, हॉलो ग्रुप क्या चीज़ होती है, ये आपके पास हैलोजन से निकला है, ठीक है। मैट्रिक में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, उसके अंदर हमारे पास आता है हैलोजन ग्रुप, ठीक है, 7A ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, और उसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन मौजूद होते हैं। तो ये हॉलो ग्रुप हमें कहते हैं इसको, FClBr, मतलब इनमें से अगर कोई एक लगा है आपके पास फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, या 2 लगे हैं, तो आपके पास उनके नाम क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आडो वगैरह हैं, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं, खास नाम इनकी कंपाउंड की क्लास का जिसमें कि ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप लगाए जाते हैं, उनके ये खास नाम उन्होंने दिए हुए हैं। फंक्शनल ग्रुप का नाम ये दिया हुआ है, फार्मूला ये दिया हुआ है, और उसकी एग्जाम्पल आपको उसने आगे यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद OH है, इसको हम हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप हो गया, ये आपके पास अल्कोहल बनाते हैं। इसी तरह आपके पास NH2 है, ये आपका अमाइनो ग्रुप है, इसको हम अमाइन क्लास कहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन का जब डबल बॉन्ड बनता है कार्बन से, तो आपके पास इमीनो ग्रुप बनता है, कौन सा ग्रुप बनेगा, इमीनो, और ये आपके पास अमाइन की क्लास में हो गया, ठीक है। इसी तरह कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन के दरमियान में एक आपका ऑक्सीजन आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है सबका, इसको हम ईथर लिंकेज बोलते हैं, और ये हमारे पास ईथर बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी, ठीक है ना। फॉर्माइल ग्रुप है फिर आपके पास, फॉर्माइल ग्रुप में क्या आएगा, सी का डबल बॉन्ड एक बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक इधर बन जाएगा किसी और के साथ और एक एच के साथ, इसको हम फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं, और ये आपका एल्डिहाइड कंपाउंड बनाते हैं। इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, ये जो आपके पास सी का डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये मौजूद ये इधर भी है, ठीक है ना, एल्डिहाइड में भी, दोनों में कॉमन ही है, इसको हम कीटोन्स फॉर्मूले कहेंगे जिसमें ये मौजूद है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, अब आपके पास ये मौजूद है, ठीक है, ये आर मौजूद होगा, लेकिन इस आर की जगह या एक आर की जगह एक OH लग जाएगा, उसको हम कहेंगे ये अब आपका कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोनाइल है ग्रुप, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी है, क्योंकि OH है ना ये वाला, ये लगा OH इधर जाके एक जमा वाला एक ग्रुप बन गया, इसको कहेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं आपके पास, आगे ये सारे चैप्टर्स आएंगे, मजीद बेहतरी हो जाएगी, बट मेहनत करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी टफ है, मुझे पता है ये ऐसी सिचुएशन में पढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डबल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आ गया, अगर हम एक्स लगा दें हॉलो वाला, ये ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड, क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड, हैलोजन से निकला है हैलाइड, तो NH2 ग्रुप लगा दें अगर, तो एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, NH2 ग्रुप अमाइड ग्रुप था यहाँ पे, अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, इसको हम अमाइड बोल देंगे, क्योंकि हमारे पास वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लग गया। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OR लगा दें, OR, तो वो एस्टर ग्रुप होगा, क्या आएगा, एस्टर ग्रुप। SH ग्रुप जो है वो मरकैप्टो ग्रुप कहलाता है, सी डबल ट्रिपल बॉन्ड N, उसको सयानो बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सयानो,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ और एक ये NO2, इसको हम नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक हो गया। अब ये कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 हैं आपके पास, में से कम आपने 8 जो इजी लगते हैं आपको वो आप याद रख लें। ठीक है, उसमें से ये सायानों को मिस नहीं करना आपने। ठीक है, सायानो नाइट्रो ये दो रंग में डालने हैं, कभी वो पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसको हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया, सयानों को क्या बोल सकते हैं, नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स। आगे बेटे जब जाएंगे ना चैप्टर्स में, वो तो पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इनके, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये आज का आपका एक टॉपिक था, है छोटा सा लग रहा आपको, लेकिन जब आप याद करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है, असाइनमेंट के तौर पर 5 फंक्शनल ग्रुप लिख के उनके फार्मूलाज बनाने हैं। ठीक है, उनका नाम भी लिखना है ताकि आपको थोड़ा इजी पता लगे कि इसको कैसे हल करना है। ठीक हो गया।